लालची साइकिल बस यात्रा। एक गांव में नागू नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। नागू बहुत बड़ा कंजूस था, एक रुपया खर्च करने के लिए भी 10 बार सोचता था। नागू उस गांव में एक राशन की दुकान चलाता था। उसके कंजूसी पे गांव वाले बहुत हंसते थे। नागू के पास बहुत पैसे होने के बावजूद भी वो अपने पुराने साइकिल पे ही दुकान को जाता था। उसे जब भी समय मिलता तो अपने साइकिल को साफ करते रहता था। एक बार जब नागू अपने साइकिल को साफ कर रहा था, तब उसकी पत्नी, बाह ये क्या जी, जब देखो तब उस खटारा साइकिल को साफ करते ही रहते हो। इसे बेचकर कोई नई बाइक या स्कूटी खरीद सकते हो ना, हमारे पास पैसों की कमी तो नहीं है ना, बोली नागू तब। देखो भगवान, हमारे पास पैसों की कमी तो नहीं है, मगर उतने सारे पैसे हमारे पास कैसे आए सोचो। ऐसे पाई पाई जमा करके मैंने इतने पैसे कमाए, अब इस साइकिल को क्या हुआ जो स्कूटर खरीदने को कह रहे हो। इस साइकिल को पेट्रोल का खर्चा नहीं होगा, एक बार हवा भरे तो बस है, एक महीने तक आराम से घूम सकते हैं। इसी साइकिल को चलाने के लिए अमीर लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, जानते हो, मगर मैं तो मुफ्त में ही साइकिल चलाते हुए सेहत का ख्याल रख रहा हूँ, कहा। तब उसकी पत्नी, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे कह सकते हो ना कि आपको पैसे खर्च करना पसंद नहीं है, बोली नागू तब। ठीक है, सीधे सीधे ही बोल रहा हूँ, मुझे पैसे खर्च करना पसंद नहीं है, मैं नई गाड़ी नहीं खरीदूंगा, बस, कहा। एक बार नागू का बेटा बिट्टू पिता से, पिताजी मुझे आइसक्रीम चाहिए, कहा नागू तब। बेटा आइसक्रीम खाए तो सर्दी होगी, मत खाओ, कहा बिट्टू तब। पिताजी आप हरदम कुछ भी पूछे तो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फिसल जाते हो, कहा। तब नागू की बेटी तारा वहाँ पर आकर पिता से, पिताजी पिताजी मुझे चॉकलेट चाहिए पिताजी, पूछी। बस नागू साफ मना कर देता है, बस बच्चे रोने लगते हैं। तभी नागू की पत्नी वहाँ पर आती है। वो, क्या हुआ जी, बच्चे क्यों रो रहे हैं, कहकर पूछती है। नागू, ये कैसी आफत आ पड़ी है, ये आइसक्रीम पूछ रहा है और ये चॉकलेट पूछ रही है, ऐसे इनके पूछे हर चीज खरीदते गया तो मेरा खजाना खत्म हो जाएगा, कहा। तब उसकी पत्नी, बच्चे है जी, ऐसे ही जिद करेंगे, बाकी के बच्चों को देखकर उन्हें भी कुछ खाने का मन करेगा ना, और ऊपर से गर्मियों की छुट्टियां है, ये तो मामूली बात है, बोली। तब नागू को एक उपाय सुझा। नागू अपने मन में, अब इनकी छुट्टियां हैं, अगर ऐसे ही चला तो बच्चे आए दिन कुछ ना कुछ पूछकर मेरे पैसे खत्म कर देंगे, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने तक इन्हें यहाँ रखना सही नहीं होगा। हाँ आइडिया, सोचकर पत्नी से, तुम बहुत दिनों से अपने भाई के पास जाने के लिए पूछ रही थी ना, हम अब जाएंगे, मैं ही तुम्हें छोड़ कर आऊंगा, कहा। तब उसकी पत्नी दंग होकर, क्या ये आप ही कह रहे हैं, मैं जब भी मेरे भाई के पास जाऊंगी कहकर पूछती थी तो आप जाने के लिए खर्चा बहुत होगा, भाई को ही आकर मुझे ले जाने के लिए कहते थे ना, मगर इस बार आप खुद मुझे छोड़ कर आओगे कह रहे हो, क्या हुआ, बोली नागू तब। तुम बहुत दिनों से पूछ रही थी ना, अब भी तुम्हारे भाई के पास नहीं भेजा तो मेरा पति भाई बहन को दूर कर रहा है कहकर तुम मुझे कोसोगी ना, इसलिए हम बस में जाएंगे, ठीक है, बोरिया बिस्तर बांधकर तैयार रखो, कहा। उसकी पत्नी लगेज तैयार रखती है। नागू टिकट काउंटर को जाकर टिकट पूछता है। काउंटर पे आदमी टिकट खत्म हो गए हैं कहकर बोलता है। तब नागू घर आकर, लता लगेज तैयार रखे ना, हम आज ही जा रहे हैं, यूं कहकर पत्नी और बच्चों को साइकिल पे बिठाकर उन्हें बस स्टॉप को ले जाता है। बस आती है, नागू उस बस कंडक्टर से बात करता है। कंडक्टर जी इस बस में जगह नहीं है कहकर मुझे पता है, जैसे तैसे करके मेरे बच्चों को अंदर बिठाइए, हम आपको पैसे देंगे, मैं और मेरी पत्नी दोनों बस में नहीं बैठेंगे, हम बाहर हमारे साइकिल पे बैठेंगे, कहा। कंडक्टर, ये सब नहीं चलेगा भाई, हमारे मालिक हमें डांटेंगे, कहा नागू तब। देखिए भाई, आप लोग टिकट काटे तो ही ना, आपके मालिक को हिसाब देना पड़ेगा, गांव पास ही है, हम बाहर ही रहेंगे, आपको और पैसे देंगे, ड्राइवर साहब और आप दोनों बांट लीजिए, कहा। कंडक्टर मान गया। ऐसे नागू बच्चों को बस के अंदर बिठाकर बस के बाहर अपने लगेज और साइकिल को अच्छे से बांधकर
उसके ऊपर अपने पत्नी के साथ बैठ जाता है। नागू पत्नी से, लता मैंने कितने पैसे बचाए हैं, देखे ना, तुम लोगों को वहाँ छोड़कर मैं अकेला ही आराम से साइकिल पे आ जाऊंगा और ऊपर से आधे टिकट के पैसे भी खर्च नहीं हुए। कहा ऐसे वो लोग जाने लगे तो एक पेड़ की डाली धड़ाम से नागू के सर को लगती है। नागू बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। नागू की पत्नी लता उसके भाई के घर के पास के एक हॉस्पिटल में नागू को भर्ती करवाती है। बिल 1,00,000 रुपए होता है। नागू होश में आता है। उसकी पत्नी नागू से, देखे ना, पैसे बचाने के चक्कर में बस के बाहर साइकिल पे यात्रा करने के लिए बोले, अब देखो अपनी जान को खतरे में डाले। मुझे भी कुछ होता तो बच्चों का क्या होता था। पैसे बचाना गलत बात नहीं है, मगर उन पैसों को खर्च करने के लिए तो भी हमें जिंदा रहना होगा ना। बोली नागू की आंखें खुल गई। तब से नागू बदल गया। एक कार खरीदा, बच्चों के मनपसंद चीजें खरीद कर देने लगा, उनकी अच्छे से देखभाल करने लगा।